हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मेरा एक फेवरेट स्टॉक सुपर इन्वेस्टर चैनल का फेवरेट स्टॉक जिसको मैंने बार बार रेकमेंड किया था। जस्ट एक साल पहले मैंने इसको 60 रुपीज़ में रेकमेंड किया था, बाद में 80 पे किया था, फिर 100 पे, 120, 150 पे रेकमेंड किया था। एक ही साल में ये शेयर हो गया 5 टाइम्स। अभी 282 पे चल रहा है। मंडे को 282 का रेट था और 52 भी खाया था, 286 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये कंपनी शूज़, बेल्ट्स, वॉलेट्स बनाने का काम करती है। इनका अच्छे शोरूम्स भी है पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी अच्छा मार्केट है, और दूसरे कंपनियों को भी उनके ब्रांड में ये शूज़ और बेल्ट्स और वॉलेट्स बना के देती है। ये कंपनी लगातार मार्केट में ऊपर ही ऊपर गई, नीचे नहीं गिरा है शेयर, कितना मार्केट क्रैश हुआ फिर भी। इसका फ्राइडे मंडे का क्लोजिंग था 282 रुपीज़ एंड 52 खाया था 286 रुपीज़। मतलब आप सोचिए कि इतने मार्केट में फॉल हुआ, बट शेयर गिरा नहीं, उल्टा ही ऊपर जाते रहा। लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर है टू होल्ड। इसको मैंने बार बार रेकमेंड किया है। एक साल में 5 टाइम्स हो गया ये शेयर ओनली इन 1 ईयर। इसका पी है 24 का और ईपीएस है 12 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.10 और इसका अभी जून क्वार्टर भी शानदार आया है। प्रोमोटर होल्डिंग है 68%, FII का होल्डिंग है 3.50% एंड DII का होल्डिंग है 3.11%। अब बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो जून 21 में इसका प्रॉफिट था सिर्फ 11 करोड़ रुपीज़। मार्च 22 में प्रॉफिट था 30 करोड़ रुपीज़ और अभी जून 22 में प्रॉफिट आया है 40 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, इनके शोरूम्स लगातार खुल रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छी है। कंपनी का नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड। मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसका रिजल्ट लगातार अच्छा आ रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं इसको बाय कर सकते हैं। अभी मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको आराम से 350 से 400 का लेवल दिखा देगा, जो कि अभी मिल रहा है ओनली 282 रुपीज़ में। कंपनी पर डेट भी कम है, EPS भी अच्छा है, तो इसीलिए इस शेयर को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए टू बाय ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप में से काफ़ी लोग मिर्ज़ा इंटरनेशनल को होल्ड करते होंगे, मैंने काफ़ी बार रेकमेंड किया था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या रेट में लिया, बार कितने शेयर है आपके पास। थैंक यू फ्रेंड्स।